आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा और बहुत ही आसान सी रेसिपी झटपट से बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू ईट विद टेस्टी बाइट। तो चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसको स्ट्रिप में काट लिया है। वज़न में ये 150 ग्राम के करीब है। और यहाँ पर मैं इसमें 1 टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1/2 टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करा है, और 1 टी स्पून मैंने इसमें वाइट विनेगर ऐड करा है। 1 पिंच फूड कलर ऐड करा है, जिससे एक अच्छा सा कलर आएगा। और 1 टी स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा था, जिसकी क्लिप शूट नहीं हुई है। तो इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, करीब 1 टी स्पून। और यहाँ पे मैंने एक एग लिया है, जिसको अच्छे से बीट कर लिया था। थोड़ा सा सॉल्ट और 1 पिंच काली मिर्च डाल करके इसको आपने पका लेना है, हल्का सा ऐसा क्रम्बल कर लेना है। और इसको हम साइड में रख देंगे। आप अपनी पसंद से एग की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हम अपने चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे चिकन जो हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, देखिए कितना मज़ेदार सा इसमें कलर आ चुका है। इससे जो हमारा फ्राइड राइस बनेगा वो बहुत ही अच्छा कलरफुल दिखेगा। इसको अच्छे से सॉटे करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, और फिर इसको लीड से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए, या तब तक के लिए जब तक ये टेंडर नहीं हो जाता, पकाएंगे। इसको रख देते हैं साइड में पकने के लिए। अब हम अपनी वेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कैरेट ली है, कुछ शिमला मिर्च को चॉप करा है, कैबेज ली है, ग्रीन अनियन लिया है, कॉर्न लिया है 1/2 कप के करीब, और यहाँ पे मैंने बीन्स ली हैं। तो ये सब्ज़ियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। अब उसी पैन में जिसमें हमने अपना एग बनाया था, उसी में मैंने करीब 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इस पे स्प्रिंग अनियन का जो वाइट पार्ट है वो मैं ऐड कर दूंगी, और इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में अच्छे से सौते करूंगी, जिससे जो इसकी कच्ची स्मेल है, जो कच्चा टेक्सचर है, वो निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी अनियन हो चुकी है। अब इसमें करीब 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली थी, वो ऐड कर दिया है बारीक चॉप करके, और उसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, जिससे उसका भी कच्चापन निकल जाए। अब सबसे पहले इसमें हम हार्ड सब्जियाँ डालेंगे, यानी कि अपनी कैरेट और बीन्स को, और इसको हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए आपने अच्छे से भूनना है, जिससे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगे और हाई फ्लेम में ये स्वैगी नहीं होंगे। अब हम इसमें अपनी बाकी बची हुई सब्जियां भी ऐड कर देंगे 2 मिनट के बाद, और इन सारी सब्जियों को हम 2 मिनट के लिए और अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस के फ्लेम को आपने हाई ही रखना है, जिससे इनका क्रंच जो है वो बना रहेगा, वरना ये स्वैगी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। 1 टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड करा है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून इसमें मैंने वाइट पेपर पाउडर ऐड करा है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वाइट पेपर पाउडर का जो फ्लेवर होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो थोड़ा ध्यान से आप इसको ऐड करें। वाइट पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप यानी कि 1.5 कप राइस को बॉईल करके रखा हुआ था, वो ऐड कर दिया। नॉर्मल जैसे राइस बॉईल करते हैं वैसे ही मैंने बॉईल करा है। और अब इसमें जो बाकी बची हुई सब्जियाँ यानी कि स्प्रिंग अनियन और कैबेज, वो भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने वाइट विनेगर ऐड करा है, 1 टी स्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, आपने बहुत ही लाइट हैंड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, आप ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और जो हमने एग का क्रम्बल बना के रखा था वो अब इसमें ऐड कर देंगे, और जो चिकन बना के रखे थे, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सा चिकन हमारा बन के रेडी हुआ था, वो हम इस पे ऐड कर देंगे। और सारी चीज़ों को बहुत ही लाइट हैंड के साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि राइस हमारे बॉयल हैं, सॉफ्ट हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना। और बस हमारा मज़ेदार सा बहुत ही डिलीशियस सा स्ट्रीट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी बन के रेडी है, जो कि बहुत ही झटपट बन जाती है। ऊपर कुछ स्प्रिंग अनियन से हम इसको गार्निश कर देंगे, और बस मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। आई होप व्यूअर्स आपको मेरा ये फूड पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी अगली रेसिपी के साथ।